हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्न चाट बनाएंगे। कॉर्न चाट खाने में बहुत ही टेस्टी और सभी को बहुत पसंद आती है। बरसात का सीजन है और मार्केट में कॉर्न खूब आई हुई है, तो बस इस सीजन में ये कॉर्न चाट बहुत टेस्टी लगती है। मैंने ये लिए कॉर्न, तो मैंने इसके ये बॉईल कर लिए हैं। कुकर में डाल के मैंने सीटी लगा ली थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है अभी। बस इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा बटर। आप बटर या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि बॉईल करते हुए भी मैंने नमक डाला था, तो मैं इसमें हाफ चम्मच नमक डालूंगी। और इसमें डाल दूंगी मैं ये कुछ मूंगफली के दाने हैं 2 चम्मच, मैंने इन्हें भून लिया था। ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाते हैं। हाफ चम्मच, हाफ मैंने ली थी गाजर, उसके बारीक टुकड़े कर लिए थे। ये आप डालो, अगर आपके पास हो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये टमाटर लिया था तो टमाटर भी मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। बारीक कट कर लिया था मैंने टमाटर। और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च आप थोड़ी कम कर सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हो तो। और मैंने ये प्याज ली है, तो प्याज इसमें ऐड कर देंगे। मीठी चटनी ली है, तो मीठी चटनी मैंने इमली की मीठी चटनी ली है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें जाएंगे, मैंने ये लिए कुछ नमकीन आलू भुजिया, तो मैं इसे हाफ डालूंगी। और अब इसमें जाएगा ये हाफ चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा लिया है, तो इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक डालेंगे इसमें, काला नमक, आप वाइट नमक उसी हिसाब से डालें, क्योंकि काला नमक चाट में बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसमें हाफ चम्मच ये भी डालूंगी। थोड़ा डालूंगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर, अच्छा लुक आने के लिए। बस इसे सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर कॉर्न आपकी ठंडी हो गई है तो उसे आप थोड़ा सा गरम कर लें। गरम कॉर्न चाट बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इस तरह से इसे बना लीजिए। और आप देख सकते हैं कॉर्न चाट हमारी बन के रेडी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी चाट बनी है इस तरह से। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बस अब इसमें डाल दूंगी मैं नींबू का रस, इस तरह से नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि नींबू का रस इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। तो आप इसे ज़रूर डालें, क्योंकि चाट है तो चाट में नींबू का रस बहुत ही ज़रूरी है। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे और एक बाउल में निकाल के इसे हम रेडी करते हैं। ये देखिए कॉर्न चाट हमारी बन के रेडी है। तो आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे हम इसे भुजिया के साथ, आलू भुजिया के साथ। और बस इसे इस तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी कॉर्न चाट की आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।